अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वासिफ़ डेली ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, शाद और आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वासिफ़ डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:30 बजे का सुबह का टाइम, देख रहे हैं आप। मैं फ़्रेश हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा तो मुबारक हो आप सबको। और इस वक्त हम जॉब के लिए निकलेंगे। सबसे पहले फ़र्स्ट हम औरंगी टाउन जाएंगे, वहाँ से फिर हम ऑफ़िस की तरफ निकल जाएंगे। तो सुबह सुबह हम तैयार हो गए हैं और सुबह सुबह घर से उठते, तैयार होकर घर से नाश्ता करके नहीं निकलते, ऑफ़िस जाके वहीं भी हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मुझे यहाँ से घर से नाश्ता करके नहीं जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहीं पहुँच के वहीं नाश्ता करेंगे और आज के जो भी सूरत हाल होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पूरे दिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बगैर स्किप के वीडियो देख लीजिएगा, लाजमी लाजमी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो काइंडली काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। उसके अलावा लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ आज पूरे दिन के लिए जुड़े रहिएगा। जो भी सूरत हाल होगा हम आपके साथ आगाह करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज हम फ्रेश हो चुके हैं, आज हमने पहना है सूट और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे नमाज़ पढ़ना है, तो इस वजह से हमने आज सूट पहना है। वैसे तो हम ऑफिस ड्रेस में जाते हैं तो आज हमने सूट पहना है, आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अभी चलते हैं, इंशाल्लाह आज की जो भी रूटीन होगी, जो भी सूरत हाल होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम लयारी एक्सप्रेस के करीब ही हैं, मीरा नाग पुल पे खड़े हुए हैं और हमने शेरशाह जाना था तो यहाँ से गुजर हो रहा था। हमने कहा चले जब गुजर हो रहा है तो अपने व्यूअर्स को ये इलाका भी दिखा देते हैं, यहाँ का सूरत हाल जो भी है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये मीरा नाका से आते हैं, यहाँ पे शेरशाह के लिए रास्ता जाता है। जो भी सूरत हाल होगा हम आपके साथ आगाह करते जाएंगे। ये वाला रास्ता है जो शेरशाह के लिए जाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कबाड़ी मार्केट जो है उसका भी विजिट करें, आपको वो सूरत हाल भी बता देंगे। ये ऊपर से जो है वो ये पूरा का पूरा लयारी एक्सप्रेस है, सीधा ये से लयारी एक्सप्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको। ये पूरा एक जंगल नमूने बना हुआ है, यहाँ पे नाला भी है, नाले के पास पूरा का पूरा जंगल नमूने बना हुआ है। हम यहाँ पे खड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो बना रहे थे, हमने कहा छोटी सी वीडियो बना लेते हैं उसके बाद आगे निकल लेते हैं। जो भी सूरत हाल होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे। ये शेरशाह है और ये इलाका जो है कबाड़ी मार्केट का इलाका कहलाता है। इसके आगे जाएंगे, कबाड़ी ढूंढेंगे, कबाड़ी वाले कहाँ पर बैठे हैं हम आपके साथ विजिट करेंगे। ये एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन रोडों का हाल बिल्कुल पूरा का पूरा सत्यानाश हुआ है यहाँ का। यहाँ का रोड पूरे का पूरा रोड हुआ, यहाँ से शेरशाह तक का रोड जाता है, पूरा रोड का सत्यानाश हुआ है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त मैं घर पे पहुँच चुका हूँ, अपने ही घर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ। सामान ले लिया मैंने पकाने के लिए, जो है आज खाने में हम बनाएंगे कलेजी और कोशिश कर रहा हूँ आज कलेजी मैं बनाता हूँ। मैं इंशाल्लाह देखूँगा कैसे बनती है, कभी बनाई नहीं है, पहली दफ़ा कलेजी बनने की कोशिश करूँगा। घर के दरवाजे तक पहुँच चुके हैं, अभी घर में एंट्री करेंगे। हालत मेरी आपको दिख रही होगी कि मेरी हालत कैसी है, वाइट सूट पूरा ब्लैक 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 लगा रहा होगा क्योंकि धूल मिट्टी में काम किया पूरा दिन, तो धूल मिट्टी में ही है, क्योंकि आउटडोर का काम है, बाहर पर घूमने फिरने का, तो हालत पूरी टाइट हो जाती है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं मेरे दरवाजे पर। आज का जो अभी जो रूटीन होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे और खाना पकाऊंगा तो खाना पका के आपको दिखाऊंगा लाजमी। कलेजी बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, पहली दफ़ा ट्राई करेंगे। इस वक्त मैं घर के अंदर एंट्री कर चुका हूँ, आ चुका हूँ, अभी मैं बनाऊंगा कलेजी। कलेजी आज मैंने बनानी है इंशाल्लाह, व्यूअर्स मैं आपको दिखाऊंगा। बेगम बना कर रही है लेकिन नहीं, हम नहीं सुनेंगे, कलेजी हम ही बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी लगी हमारे आपकी कलेजी। पहली दफ़ा बना रहे, अच्छी नहीं भी होगी तो भी बोलेंगे बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है। चले कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं।
हमारे कमरे में अंधेरा है, ये बच्चा भाग के आ गया है वासिफ। बिस्मिल्लाह, ये देख लीजिए, ये एक बड़ाला, ये दोनों सो रहे थे, सोते सोते अभी दोनों उठ के आ गए हैं। हाजरीन और नाजरीन, ये देख लीजिए मोहम्मद अजलान। ओए मुन्ने माशाल्लाह, उठ जाएं, आप उठ गए, आ जाए। अब टाइम देख सकते हैं, इस वक्त 8:30 का टाइम हो रहा है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 9 बजे तक हमारा खाना कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, क्या हुआ क्या हुआ हैं, आ जाओ। हाजरीन और नाजरीन, अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आइए सालन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल। उसके बाद नेक्स्ट में जो आएगा वो आएगा कलेजी। नेक्स्ट हम इसके ऊपर डालेंगे अदरक, ताकि इसकी स्मेल चली जाए। अदरक लहसुन दोनों मिक्स है। इससे पहले कभी सालन बनाया नहीं है। हाँ, एक दफ़ा बनाया था आलू गोश्त का सालन, कलेजी का पहली मरतबा बना रहा हूँ, और ये कलेजी है चिकन का। अभी हल्की सी जो है गैस थोड़ी सी तेज कर दी हमने। क्योंकि कलेजी जो है ये अपना पानी छोड़ेगा, लास्ट में अपना पानी छोड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद ये मसाला है, ये है मिर्ची, नमक, ज़ीरा, हल्दी। ये 4 किस्म के मसाले होते हैं, ये 4 किस्म के मसाले जो हैं इसके अंदर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूल्हे की हालत ऐसी कि हमारे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो कभी कभी लकड़ियाँ वगैरह जलानी पड़ती है, तो चूल्हे की ये हालत थोड़ी सी हो रही है। तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, लास्ट दफ़ा में टमाटर डालकर हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट हमारा सालन इंशाल्लाह इंशाल्लाह रेडी है। उसके बाद हम आपको बताएँगे कि सालन कैसा है। तो ये भी टमाटर और मिर्ची दोनों डालेंगे। अभी हमने जो है इसको ढक दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट में हमारा सालन इंशाल्लाह इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। उसके बाद रोटियां बनेगी, गर्म गर्म रोटियां खाएंगे। उसके बाद बाहर जाना है हमने घर देखने के लिए, तो इंशाल्लाह घर देखने के लिए जाएंगे, कोशिश करेंगे आपको भी हम दिखा दें साथ में। अपने व्यूवर्स को घर दिखाना लाजमी है। तो अभी खाना तैयार हो जाए, इंशाल्लाह खाना खाते हैं, उसकी बात चलते हैं। जी, ये हमारा मन्ना आ गया, देख लीजिए। हाँ जी, आ जाएं। ओ, कहाँ हो गया? ये हैं हमारे यहाँ के ऑस्ट्रेलियन तोते, मोहम्मद वासिफ को अपने मामू ने गिफ्ट किया था। 2 जोड़ी है, 4 हैं ये। तो इसके अलावा जो है हमारे पास कबूतर भी हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। हर हफ्ते जो है संडे वाले दिन हम कबूतरों के जो है पिंजरा साफ़ करते हैं। ये रहे कबूतर, आप ये देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ये रहा, दूसरा जो है ये है। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि हम संडे इसको साफ़ करते हैं अंदर से पूरा, ये आप देख सकते हैं। ये कबूतर मोहम्मद वासिफ के लिए आए थे, मोहम्मद वासिफ को ये कबूतर भी किसी ने गिफ्ट किए थे। ये हमारा छोटा मुन्ना, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से खेल रहा, वॉकर में बैठे हुए। ये कहो गया असलान। हाँ, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो करो। हाँ आओ, हाथ मिलाओ, बिस्मिल्लाह, आओ हाथ मिलाओ,
आ जा ओ माशाल्लाह, थैंक यू प्यारा मुन्ना मोहम्मद वासिफ। और उस तरफ जो है हमारा मोहम्मद वासिफ बेटा है, आपको पता है वो अभी भी कार्टून में ही घुसा हुआ है, एनिमल्स बहुत ज़्यादा शौक से देखता है। और इसके अलावा इसको कार्टून के अलावा कुछ नहीं चाहिए, या तो मेरा मोबाइल चाहिए या इसको अपना अम्मा वाला चाहिए, दोनों में से कोई एक ही ना एक इसको चाहिए लाजमी। ये देख लीजिए, मोहम्मद वासिफ को कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए होता है। तो नाज़रीन काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिलती रहे। उसके अलावा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स में भी बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना रेडी हो चुका है, ये हमारी सालन पक चुकी है माशाल्लाह से, और ये रही रोटियाँ। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं 5 मिनट के बाद आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना बिल्कुल ओके रखा, खाना खा लिया। कलेजी बहुत ज़बरदस्त और बहुत नाइस किस्म की बनेगी। हम जो असल में घर में बनाते हैं कलेजी, इसके अलावा बनती है कोयले के दम वाली कलेजी, और ये वाली कलेजी एक सिंपल सी होती है जो दाल चावल के साथ खाई जाती है। तो आज नॉर्मली हमने ये बना दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा जब बनाऊंगा तो मैं आपको उसी की रेसिपी को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके अलावा हमने जाना था घर देखने के लिए, वो प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा जाएंगे तो हम आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। क्या कर रहे हैं वासिफ, आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें भी रखिए खास दुआ में याद। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।